अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, आज हम आपको एमएस बर्बरी का जो थर्ड ब्रांच है उसकी वीडियो शो करने वाले हैं। इस फार्म का लोकेशन है औरंगाबाद में कटकटी गेट, जो कि बाजू में ही है। तो आप लोग प्रॉपर डिटेल के लिए शारिक भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लास्ट टाइम हमने जो इनका फार्म कवर किया था उस टाइम शारिक भाई अवेलेबल नहीं थे, तो आज स्पेशली इनसे बात करने के लिए। और आज ये फार्म पर कुछ बकरियां है जो कि इनकी शौक की है, माशाल्लाह बहुत शानदार शानदार क्वालिटी है। तो इसमें आपको क्वालिटी भी बताएंगे और इंशाल्लाह शारिक भाई से कुछ बातें भी करेंगे जो कि इनका फार्म था उसके बारे में, और आज ये हमें क्या शो करने वाले उसके बारे में। माशाल्लाह बकरियाँ देखिए और इन्जॉय कीजिए, इनकी क्वालिटी बहुत शानदार बकरियाँ हैं। तो आइए शारिक भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम, आप करिए सर। जी भाई, आपकी दुआ है बस। मेरी तमन्ना थी, लास्ट टाइम आपसे मुलाकात नहीं हो सकी, हमने यूनुस भाई जाहिद भाई से मुलाकात किया, लेकिन उस वक्त मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। तो मैं आज ख़ास तौर से आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ और हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ जानकारी मैं आपसे हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह कई सालों से आपने काम किया है बर्बरी ब्रीड में। तो शारिक भाई, आज आप मुझे कुछ सेल की बताओगे या ये माशाल्लाह ये सारी बकरियाँ आपकी शौक की है ना? ये नॉट फॉर सेल है, सब शौक की। माशाल्लाह फ्रेंड्स, आपको बस ये थोड़े से ही जानवर यहाँ पे हम शो करेंगे, क्योंकि शारिक भाई ने जो इनका सेटअप बनाया है वो अभी अंडर प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह आपको उसकी भी हम जल्द से जल्द वीडियो बताएंगे। बस ख़ास तौर से हमें इनसे जानना था कि इनका जो काम था उसके बारे में। तो शारिक भाई, हमारे ऑडियंस को आप एक बार बता दीजिए, हमारे जैसे आप जानते होंगे कि औरंगाबाद में कई सारे नस्ल है, तो आपने बर्बरी ब्रीड ही क्यों चुनी थी भाई? बर्बरी असल में बहुत खूबसूरत होती है जी। बर्बरी कैसा है, शौक के घर में भी लोग पालते हैं, वगैरह भी अच्छा है इसमें जी, बीमार नहीं होती है जैसा गौरान बकरी की जैसे जी 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 जी। तो बर्बरी मैंने जहाँ तक देखा हो भाई, इसके बच्चे देने की भी क्षमता काफ़ी अच्छी होती है ना? तीन बच्चे तो रेगुलर देते हैं। माशाल्लाह भाई, मैंने लास्ट टाइम यूनुस भाई से भी पूछा था, आपकी घर की जो बकरियाँ है ना, इनकी जो साइजेज है माशाल्लाह वो देखिए। ये पहलन से इसने एक बच्चा दिया इसका, ये अपने होटल में से था। ये आपके पास जो मेल था सुल्तान, उसी का रिजल्ट है क्या? ये सुल्तान ही था ना? होना होना। क्या नाम था भाई उसका? बादशाह नाम था। बादशाह, बादशाह जी 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 जी। माशाल्लाह बहुत शानदार मेल था फ्रेंड्स। इंशाल्लाह मैं इनके चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई, अपने चैनल का नाम क्या है? एमएस बर्बरी गोट फार्म औरंगाबाद। और शारिक भाई, आप बर्बरी के अलावा किसी और ब्रीड में भी काम कर रहे हो क्या? बर्बरी का जी बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली ये ज़ात होती है बर्बरी जो होती है। और शारिक भाई ने जैसे कि हम आपको बताया है, बहुत सालों से ये काम करते हैं सिर्फ बर्बरी में ही, तो हम ख़ास तौर से इनसे कुछ बातें आप लोगों के लिए करना चाह रहे थे। अभी आपको ये जो सेटअप दिख रहा है, ये अभी सारा खोल दिया है हमने, जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था, जो जाहिद भाई अभी चला रहे हैं। तो भाई, अभी मैंने जैसे लास्ट टाइम यूनुस भाई और जाहिद भाई से बात किया था, वो मुझे कुछ बता रहे थे कि वापस से स्टार्ट होने वाला है। इंशाल्लाह 3 से 4 महीने में वापस स्टार्ट होगा। ठीक है, और इस बार बता रहे थे कि कुछ नई ब्रीड भी आप स्टार्ट करने वाले हो। बेंटम में भी चालू करने वाले हो? माशाल्लाह बेंटम भी काफ़ी ज़्यादा अभी ग्रो कर रहा है ना औरंगाबाद में, जिसका शौक है तो जी। और बेंटम में बर्बरी की खासियत ये है कि अपने को बेचना भी रहे तो रीसेल बहुत जल्दी हो जाती है, इसमें बेचने के लिए कोई तकलीफ नहीं होती। उसको बेचने के लिए है ना? माशाल्लाह भाई, शारिक भाई मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, अभी जैसे आपके पास माशाल्लाह ये बकरियाँ तो बहुत शानदार है, एक ओरिजिनल बर्बरी की पहचान आप मुझे एक बकरी पकड़ के बता दीजिए कि हम कैसे पहचाने कि ये बकरी ओरिजिनल है या फिर इसे क्रॉसिंग किया है। ये बर्बरी के कान देखिए माशाल्लाह, इसके कान तो देखिए माशाल्लाह, मतलब इसकी जो पहचानाहट है, इसके ऊपर बाल वगैरह नहीं है, एकदम बकरी। जी जी जी, बाहर से जो अपन बकरी मंगवाते हैं तो उसको बाल होते हैं मांडी पे पूरे। जी जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने। माशाल्लाह बकरी की क्वालिटी देखिए फ्रेंड, जो एक टॉप क्वालिटी की बर्बरी होती है। माशाल्लाह आपके पास जो बकरियाँ है शारिक भाई, इनके साइजेस बहुत ही शॉर्ट है ना? हाँ, ये भी दूसरे से पहला बच्चा है इसका। ये सिर्फ अभी दूसरे से है। माशाल्लाह क्या बात कर रहे हो भाई, मुझे इसकी एक बार दांत बताइए ना शारिक भाई।
माशाल्लाह क्या बात है फ्रेंड्स, ये सिर्फ बकरी देखिए चार दांत पे तैयार की गई है। भाई मैंने जैसे तो इनुस भाई से पूछा ही था, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा भाई, इसका एक बार राज बताइए भाई हमें, बकरी तैयार कैसे करेंगे ऐसी हम? ये तो आपके सामने ही रही है, अपने दूसरा ने इसको चुन्नी भूसा अपन ज़्यादा खिलाते हैं। चुन्नी भूसा ये इसका एक राज है। चुन्नी भूसा हो गया, सूखा तुवर का भूसा हो गया। जी जी जी, माशाल्लाह क्या बकरी तैयार की है फ्रेंड्स। मैंने इसके दांत देखा हूँ, आप लोग यकीन नहीं करोगे, इसका साइज़ देखिए बहुत शॉर्ट साइज़ में है, बहुत बड़े फ्रेम में है, और ये सिर्फ अभी चार दांत की बकरी है, इसने फर्स्ट टाइम बच्चा दिया है। अभी ये प्रेग्नेंट है या नहीं? हाँ, 3.5 महीने की हो गई। भाई आपके घर के बच्चे मिलेंगे किसी को? अभी तो अपने को रखना है, अभी तो आपको ही स्टार्ट करना है। बोलेंगे फिर वीडियो अपलोड करेंगे जी भाई, जब हमारे व्यूवर्स ये बकरियाँ देखेंगे ना भाई, आपको आपके घर के बच्चे ही मांगेंगे, मैं बोलता हूँ ये आपको। माशाल्लाह क्या साइज़ है बकरी की, इसको कुछ प्रॉब्लम है क्या एक पैर में? जी फुल लोड हो गया माशाल्लाह। इसकी स्किन देखिए बिल्कुल, भाई इसके बाल काटे हैं या फिर ये उतनी माशाल्लाह? तो देखिए एक प्योर बकरी की पहचान शारिक भाई आपको बता रहे हैं, इसके कान बिल्कुल खड़े होना चाहिए, मांडी पे बिल्कुल बाल नहीं होना चाहिए, और माशाल्लाह। और भाई मैंने लास्ट टाइम तो ये स्पॉट के बारे में बताया ही था हमारे व्यूअर्स को, तो आप लोगों के सामने क्वालिटी है। ये भी आपके बादशाह का ही बच्चा है क्या? हाँ, ये भी होंडे बादशाह। तो ये मेल है फीमेल है? फीमेल है। फीमेल है माशाल्लाह, क्या प्यारा कलेक्शन है, छोटा सा कलेक्शन है, लेकिन ये जो इनके पुराने ब्रीड में से कलेक्शन था माशाल्लाह, वो कलेक्शन आपको हम शो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत सारी बातें हम शारिक भाई से भी करेंगे, आप लोगों को अगर कुछ जानना है इनसे तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जैसे भी आपको जो भी बात करना है तो आप लोग इनसे कर सकते हो। तो शारिक भाई फ़िलहाल अभी अगर किसी को बर्बरी ब्रीड में डिमांड होता है तो अवेलेबल हो जाएगी क्या? ये 3.5 महीने जी, तो ये कुछ देने का इरादा है? हाँ, इसका अपने को फाइनल 30,000 रुपये में देना। ये 30,000 में शारिक भाई को देने का इरादा है, अगर इसका मुनासिब प्राइस लगेगा तो ही शारिक भाई देंगे, क्योंकि माशाल्लाह शौक की चीज़ है। और क्या बाकी डिटेल बताया आपने इसे? ये 3.5 महीने की गाभन है और 8 दांत कर चुकी है। 8 दांत कर चुकी है फीमेल, 3.5 महीने की गाभन है। कैसे मेल से लौटे शारिक भाई? ये अपने बरबरे से, ये अपना बरबरा सेल हो गया है। बरबरा सेल हो चुका है, अपना बादशाह से ही लोड है क्या ये? नहीं, ये सिंह वाला मेल था। अच्छा मेल था। ठीक है माशाल्लाह, साइज देखिए फ्रेंड, अगर किसी को एकदम बड़े साइज में। जी जी, उसको इधर ले लीजिए, थोड़ा नीचे ले लीजिए, साइज समझ में आएगा फिर। माशाल्लाह क्या प्यारी बकरी फ्रेंड, देखिए फुल स्पॉटिंग में है, कान भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे है। भाई लास्ट टाइम कितने बच्चे दी थी इसने, कुछ बता पाओ? 3 दी थी लास्ट टाइम, 3 दी थी। हाँ, अब ये आप तो लेकर जा रहा हूँ मैं जी, वहाँ पर इसके बच्चे शो करेंगे, रिजल्ट भी इंशाल्लाह हम उसी में देख लेंगे फिर। माशाल्लाह क्या प्यारी बकरी है फ्रेंड, देखिए अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लोग शारिक भाई से बात कीजिए, आपको हो सकता है इसमें प्राइस थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन हमने बताया था लास्ट टाइम भी, ये जो बकरी तैयार करने में मेहनत लगती है, आप लोग खुद एक बार बकरी पालिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा कि ऐसी बकरी तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है। तो जो भाई की मेहनत है उसी का आपको प्राइस मांग रहे हैं, माशाल्लाह बकरी में किसी तरीके की कोई कमी नहीं है, साइज़ देख सकते हो, बाकी डिटेल आप लोग शारिक भाई से पूछ लीजिए। इसमें से सिर्फ एक ही बकरी हमें देना है क्या? ठीक है, बाकी ये बच्चे वगैरह जो दिख रहे हैं तो ठीक है माशाल्लाह। ठीक है, जैसे भी लोगों की रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे, आगे भी हम कुछ पार्ट शूट करेंगे इंशाल्लाह, हम इनके फ्रेंड सर्कल की और जो इन्होंने बकरियां दी थी अपने दोस्तों में वो सारी भी हम आपको इंशाल्लाह शो करेंगे। तो ठीक है, हम शारिक भाई ये वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह कुछ आपकी शौक की बकरी भी हम शो करना चाहेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो माशाल्लाह फ्रेंड, हम शारिक भाई के घर पर आए हैं अभी, और ख़ास तौर से आपको ये फ़ीमेल बताना था, इसीलिए हम इसका जो पार्ट है इसी वीडियो में ऐड कर रहे हैं। माशाल्लाह क्या फ़ीमेल है देखिए, ये उनकी शौक की फ़ीमेल है, प्लीज़ इसके लिए कॉल ना कीजिए, इंशाल्लाह आप लोग इन्हें कॉल कीजिए, अगर इनके पास कोई ऐसी फ़ीमेल अवेलेबल होगी तो वो आपको बता देंगे। लेकिन इस वीडियो में जो आपको ये जो बड़ी फ़ीमेल और बच्चे दिख रहे हैं, माशाल्लाह सिर्फ मकसद आपको क्वालिटी शो करना है। इसका कलर पैटर्न देखिए माशाल्लाह, नासी कलर के ये बच्चे हैं, और क्या फ़ीमेल है देखिए माशाल्लाह, इसका स्ट्रक्चर देखिए, कानों की क्वालिटी देखिए, हथियार देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत शानदार कलेक्शन था शारिक भाई का, उसी में से ये बकरी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।